मकबूजा कश्मीर में बदतरीन लॉकडाउन का आज 128वां रोज है। कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म तमाम हदों को पार कर चुका। नामनिहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में गिरफ्तारियों और शहादतों का सिलसिला जारी है। वादी में इंसानियत सोज मजालिम इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों पर सवालिया निशान बन गए। जन्नत नजीर वादी कश्मीर में भारत की तरफ से मुसलत करदा गैर इंसानी लॉकडाउन और मवासिलाती बंदिश के बायस मुसलसल 128वें रोज भी मामूलात जिंदगी बदस्तूर मफलूज हैं। सड़कें सुनसान, वादी में दुकानें, कारोबार, तालीमी मराकज बंद हैं और लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। आजाद फजा में सांस लेना कश्मीरियों के लिए ख्वाब बन गया। काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। कश्मीरी आवाम पर भारतीय जुल्म तमाम हदों को पार कर चुका। 9 लाख भारतीय फौजी हर गली, हर गांव और हर मोहल्ले में तैनात हैं। काबिज फौज ने नामनिहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद मुतादित नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। 5 अगस्त से जारी बदतरीन लॉकडाउन में दर्जनों कश्मीरी शहीद और मुतादित जख्मी हो चुके हैं। हुर्रियत रहनुमा और मकामी सियासी क्यादत समेत 11,000 कश्मीरी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मोदी सरकार कश्मीरियों के मजहबी, सियासी और समाजी हकूक को बुरी तरह से पामाल कर रही है। नमाज अदा करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। वादी में खुराक और अद्वियात की किल्लत भी बरकरार है। नन्हे बच्चे भूख से दम तोड़ने लगे। मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस बंद और टीवी नशरियात ताहाल मौतल हैं। मकबूजा वादी में जारी इंसानियत सोज मजालिम इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों पर सवालिया निशान बन गए।